हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो पे चले सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन 2024 लेटेस्ट डिजिटल एडवांस फंक्शन वाली टेबल टॉप रेम्बो मशीन की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी देने वाले। मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे मटेरियल बनाना है, कैसे फिल करना है, कैसे मशीन को वॉश करना है। प्लस ये मशीन आप 220 वोल्ट पे भी चला सकते हो, घर की बिजली पे भी चला सकते हो, और अगर आपके पास पावर नहीं है तो इस तरह का आप जनरेटर लेके भी मशीन को चला सकते हैं। आज हम आपको वीडियो के अंदर दोस्तों मशीन को फ्लेवर बना के, मिक्स करके, रेडी करके, फिलअप करके, जनरेटर के ऊपर पूरी मशीन को ऑपरेट करके, पूरी मशीन को चला के दिखाएंगे। जहां पे बिजली नहीं है, पावर नहीं है, गाड़ी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा प्लस छोटा हाथी, कहीं पे भी मेले में आपको जाना है, मेले में जाके भी अपना बिना पावर बिना बिजली बिजनेस कर सकते हो जनरेटर लेके। तो पूरी डिटेल्स वीडियो के अंदर देने वाले, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखे तभी आपको इसकी नॉलेज और इसकी मालूमात मिलेगी। टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी मटेरियल रेडी रखा हो, जैसे कि रेम्बो टॉप पिंस जो बॉर्डर रहता है उसका जैम यहाँ पे रखा है, अलग अलग कलर्स के ट्विंकल लगाए, आइसक्रीम पाउडर सॉफ्टिका लेके रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मिल्क के बैग लेके रखे हुए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोन लेके रखे हुए, यहाँ पे टब है, यहाँ पे वॉशिंग के लिए बाउल है, फ्लेवर मिक्सचर करने के लिए यहाँ पे मशीन दिया गया है, हर एक अटैचमेंट रेडी रखा है, इसलिए आपको इजीली और आसानी से पूरी वीडियो हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका फ्लेवर कैसे बनाना है, फ्लेवर बना के दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे टॉप ब्रांडेड कंपनी का फ्लेवर्स मिक्सचर पड़ा हुआ है रेडी। ये फ्लेवर है हमारे पास मैंगो, इसके अंदर अलग अलग छह तरीके के फ्लेवर्स आते हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड का फ्लेवर्स है जो एमपी ग्वालियर में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। दोस्तों, इसका ये मशीन, वो मशीन हमारी, और ये क्वालिटी का पाउडर अगर आप यूज करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी का जो बड़े बड़े मॉल्स, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी में आइसक्रीम मिलता है वैसा सेम टेस्ट बनेगा। लेकिन जरूरी वही है कि पाउडर ये कंपनी यही यूज करना है और मशीन यही यूज करना है। मशीन चेंज हो गया, पाउडर ये डालेंगे, टेस्ट घूम जाएगा। मशीन ये लेंगे, पाउडर घुमा देंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। दोनों में से अगर चीज, कोई भी चीज चेंज हो जाएगा तो टेस्ट अलग हो जाएगा। ये हमारे पास पाउडर है, इसकी प्राइस है 210 रुपए किलो, एक किलो का पैकेट। इसके अंदर ये मैंगो फ्लेवर, इसमें वेनिला, बटर स्कॉच आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, पिस्ता आता है, वाटरमेलन आता है दोस्तों, और ये मैंगो का फ्लेवर, 6 से 7 अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स आते हैं। 4 लीटर इस तरह से मिल्क डालना है, 500 ग्राम का बैग है हमारे पास, टोटल 8 बैग पड़े हुए दोस्तों, और 1 किलो पाउडर मिक्स करके, मेल्ट करके मशीन के अंदर सप्लाई कर देना है। एक में आप मैंगो डाल सकते हो, एक में आप दूसरा कोई भी आपका मनचाहा फ्लेवर डाल सकते हो। यहाँ पे 3 अलग अलग फ्लेवर देंगे दोस्तों, 2 अलग अलग फ्लेवर निकलेंगे और बीच में से मिक्स का फ्लेवर निकलेगा। ये रेसिपी, ये सेट, 1 किलो पाउडर, 4 लीटर दूध डालने से आपको तकरीबन 110 कोन तक मशीन निकाल के देगी। एक कोन बनाने का खर्चा 6.5 से 7 में गिरेगा, बाजार में आप कम से कम 15 रुपया 20 रुपए में बेच सकते हो। 6.5 से 7 रुपए में दोस्तों पाउडर आ गया, मिल्क आ गया, कोन आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, लेबर मेंटेन सब मिला के मैक्सिमम 7 रुपीज में एक कप आपको पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम के गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो मिल्क पड़ा है, हम मिल्क इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिल्क डाल दिया हमने, उसके बाद हमारे पास जो पाउडर पड़ा है, 1 किलो पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं मैंगो का फ्लेवर का पाउडर डालेंगे इसमें। मिक्स हो चुका है बेहतरीन क्वालिटी से, ये हमारा फ्लेवर बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अब मशीन की ऑपरेटिंग कैसे करना है, मशीन को कैसे, जब आप मशीन लेंगे तो इस तरह से आपका अनबॉक्स करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मशीन होगी दोस्तों। उसके बाद इस तरह का ऊपर का जो टैंक है इसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर से आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस तरह से, इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा। बॉक्स मिलने के बाद दोस्तों ये बॉक्स आपको ओपन करना है। बॉक्स ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से इसके अंदर 3 अलग अलग हैंडल निकलेंगे, इसके आप देख सकते हैं, बहुत सारा वैसे तो सामान है लेकिन आपको जो निकालना है इसके अंदर से, इसके सिर्फ 3 हैंडल ही निकालने, और कुछ नहीं निकालना। बाकी ओरिंग वाइसर, इमरजेंसी किट, अलग अलग डिजाइन है, और इसके 2 डंडी है, इसको अलग से साइड में रख देना है आपको।
उसके बाद हम इसका हैंडल लगाएंगे। कैसे हैंडल को फिट करना है देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी रहेगी आपके लिए वीडियो। अगर आपने मशीन ली है, अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत विषय वीडियो आसान है, और ये वीडियो देख के आप पूरी मशीन को अपनी ऑपरेट कर सकते हो, पूरा चला सकते हो। सबसे पहले बोल्ट को थोड़ा ओपन कर देना है आपको। अब देखिए हम बोल्ट को ओपन कर देंगे, इसलिए यहाँ से इसका जो स्टिक है वो निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा। उसके बाद आपको जो हैंडल से है ये पोजीशन में डालना है, जैसे कि हैंडल ऊपर आना चाहिए। कई लोग इस तरह से फिट कर देते हैं, उल्टा भी लगेगा ये। आप देखिए ऐसे नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हैंडल नीचे की साइड आ गया है। इस तरह नहीं लगाना है आपको, इसको हैंडल को इस तरह ऊपर की तरह लगाना है। जो फिंगर के जो क्लिप से ऐसे आना चाहिए, देखिए यहाँ पे फिंगर है, ये फिंगर्स के जो क्लिप है ऐसे निकालने के बाद ऐसे फिट हो जाने चाहिए अपने हैंड में। अब देखिए इस तरह से आपको वन बाय वन हैंडल, सबसे पहला एक हैंडल लगा देना है इस तरह से, उसके बाद नेक्स्ट हैंडल है इसको लगा देना है यहाँ पे, उसके बाद थर्ड हेड है ये लगा देना है आपको, हैंडल लगा देना है, यहाँ से पुश करते जाना है आपको ये। फिट हो चुका है हैंडल, उसके बाद जो हमने ब्लैक बोल्ट खोला था इसको वापस आसानी से टाइट कर देना है। यहाँ पे रेम्बो वाला मशीन है, इसलिए रेम्बो के टॉपिंग्स बोल्ट दिए गए इसके अंदर। उसके बाद हमारा जो ऊपर का टैंक है, यहाँ पे टैंक ऊपर से दिखाए हमारे व्यूअर्स को, मशीन को सबसे पहले आपको नया मशीन है तो एक बार नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। यहाँ पे दोनों टैंक खाली है, फिलहाल इम्प्टी है दोस्तों। आप देखिए टोटली नया ही टैंक है, साफ सुथरा है, फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हम इसके अंदर दो दो लीटर पानी मिक्स करेंगे। देखिए इसके वाटर डाल देंगे, यहाँ पे दो लीटर इसमें डाल देंगे, दो लीटर इसमें डाल देंगे। एक गिलास पानी नोली ले जी, दो दो लीटर वाटर हमने फिलअप डाल दिया इसके अंदर दोस्तों। उसके बाद अभी पावर सोर्स क्या है इसका, इसका पावर सोर्स क्या रहेगा। हमारे पास यहाँ पे पिन पड़ी है, अगर आपके पास बिजली है, अगर आपके पास दुकान है, शॉप है, तो इसको सीधा आप डायरेक्टली पावर से चला सकते हो। अगर आपके पास दुकान में पावर सोर्स नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे जनरेटर है, 5000 वोल्ट का जनरेटर है, 5000 वोल्ट है दोस्तों, 5000W, इस तरह का जनरेटर आपको बाजार में मिल जाएगा। ये जनरेटर साइलेंट नहीं है, आपको इसमें अगर साइलेंट लेना है तो भी आप ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हम जनरेटर को प्लग इन कर देंगे, जैसे घर के बिजली में पावर में लगाते ऐसे इसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। प्लग इन करने के बाद ये पूरा जनरेटर है, बैटरी ऑपरेट है, सेल्फ स्टार्ट है दोस्तों। यहाँ पे इसका सेल्फ दिया गया दोस्तों, आप देखिए यहाँ से हम इसका सेल्फ लगाएंगे और जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे। जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे पावर ही से ये भी जीरो पावर दिखा रहा है। इसको पावर चालू करने के लिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिया गया है, सर्किट ब्रेकर को आपको दबा के चालू कर देना है, इसलिए पावर चालू हो गया। उसके बाद मशीन के पास आ जाएंगे, यहाँ पे मशीन का स्विच चालू कर देंगे, मशीन चालू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे वॉश का बटन है, ये वॉश का बटन दबा देंगे, इसलिए मशीन वॉशिंग और क्लीनिंग होना चालू हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए ऊपर पानी में बाउल आ रहे हैं, ये पूरी मशीन बेहतरीन क्वालिटी से वॉश कर रही है। और जो हमने जनरेटर यूज किया है वो कितना एवरेज देता है वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, उसका प्राइस बताएंगे और कितना एवरेज देता है वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तकरीबन आपको दो मिनट तक इसको वॉश करना है, दो मिनट के अंदर मशीन क्लीन और वॉश हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे, यहाँ से वाटर है उसको निकाल लेंगे। ऐसे तीनों तीन हैंडल नीचे करके आपको इसका पानी निकाल देना है। ये अपनी मशीन वॉश और क्लीन हो चुकी है, उसके बाद हम इसमें मटेरियल डालेंगे। हमारे पास जो हमने रेडी मटेरियल किया है हम इसके अंदर फिलअप करेंगे दोस्तों, दोनों में आधा आधा हम डालेंगे। आपको अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग मटेरियल डालना है इसके अंदर।
वॉश का बटन दबा के यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई है, वॉश का बटन दबा के थोड़ा मटेरियल निकाल लेना है हमारे को तीनों हेड में से और वापस ऊपर टैंक में डाल देना है। ये हमारा मशीन का वॉश क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है, ढक्कन इसका है, हम इसको वापस लगा देंगे। उसके बाद आइसक्रीम को जमाने के लिए फ्रीज का बटन दिया गया है। ये फ्रीज का बटन दबाने से मशीन चालू हो जाएगी और उसका कूलिंग होना कंप्रेसर चालू हो जाएगा। देखिए ये पूरा डिस्प्ले का इंट्रोडक्शन है दोस्तों, कितना डिग्री का टेम्परेचर है, कितना टैंक ने माल भरा है, उसका कितना डिग्री है, हर एक जानकारी डिस्प्ले में होगा। जब देखिए टोटल इंट्रोडक्शन आपको मशीन खुद बताएगी दोस्तों, आपको अलग से कोई चीज़ देखने का जरूरत नहीं है, टोटल इंट्रोडक्शन आपको मशीन खुद शो करेगी इसमें दोस्तों। अब देखिए कितना सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका कितना टेम्परेचर, धीरे धीरे मशीन के अंदर दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर पहली बार आप जब मटेरियल डालेंगे इसलिए 10 से 15 मिनट में आइसक्रीम रेडी हो गए, तैयार हो गए, फाइनल मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी दोस्तों। यह मशीन अभी फिलहाल चालू है, इसका रनिंग कटआउट सिस्टम स्टार्ट है पूरा। अब देखिए अभी हम इसका रेम्बो टॉपिंग्स है उसका आपको सेटिंग बताएंगे। सबसे पहले पानी है इसके अंदर डालेंगे हम, उसके बाद पानी डालने के बाद इसको वॉश करेंगे, पानी को निकालेंगे। यहाँ पे बटन दिया गया है, सबसे पहले आपको वॉश का बटन दबाना है, उसके बाद वन नंबर दबाना है, एक नंबर। उसके लिए यहाँ से देखिए पूरा पानी आ रहा है वॉशिंग का, ये पूरा वॉश और क्लीन हो रहा है बेहतरीन क्वालिटी से। देखिए पूरा एक बार लाइन को क्लीन कर देना है वॉश का बटन, पानी खत्म होएगा इसलिए वहाँ का बटन बंद कर देना है आपको। जब देखिए पानी से बेहतरीन वॉशिंग हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है। पूरा क्लीन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे बंद कर देना है, ये बटन को हम बंद कर देंगे। इसलिए आपका क्लीनिंग हो चुका है, उसके बाद हमारे पास चॉकलेट का टॉपिंग्स पड़ा है, चॉकलेट का टॉपिंग्स उसमें डालेंगे। तब देखिए ये चॉकलेट का टॉपिंग्स हमने डाल दिया है, उसके बाद यहाँ से हम बटन दबा के वापस लाइन में ले लेंगे। जब देखिए यहाँ से लाइन में वापस चॉकलेट का टॉपिंग डाला है वो आ जाएगा पूरा लाइन में। जब देखिए पूरा देखिए चालू होने वाले आना चालू हो गया है, ये चॉकलेट का टॉपिंग जो डाला था हमने पूरा लाइन में आना चालू हो गया है। देखिए लाइन में से चॉकलेट आना चालू हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना फिनिशिंग। अभी 10 से 12 मिनट के अंदर जब आइसक्रीम बन के रेडी होगा हम मशीन में से आपको आइसक्रीम निकाल के बताएंगे दोस्तों। अभी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, 98% रेडी है, अभी हम मशीन में से आइसक्रीम निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए एकदम सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम निकला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें रेम्बो वाला आइसक्रीम निकालेंगे जो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। क्या देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का रेम्बो का बॉर्डर लगा हुआ है इसमें। इस तरह से आप अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम निकाल सकते हो इसमें से। इसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से टॉपिंग लगा सकते हो, ऐसे आप देखिए टॉपिंग से हमारे पास। इस तरह का ट्रिंकल लगा सकते हो हमारे पास अलग अलग ही, आप देखिए कलरफुल लगाना है तो कलरफुल लगा सकते हैं। आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी का आइसक्रीम बन के तैयार होकर निकलने वाला है दोस्तों इसके अंदर। अब देखिए एकदम सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम निकल रहा है बेहतरीन क्वालिटी का, 8 रुपए के अंदर कौन बनाए बना, बाजार में 20-25-30 रुपए में आसानी से बाजार में इसको आप सेल कर सकते हो। हमने आपको पूरी मशीन होंडा इसका इसके जनरेटर 5000 वॉट के जनरेटर के ऊपर चला के दिखा। ये मशीन की एवरेज है 1 लीटर फ्यूल के अंदर 2 घंटा चलेगी। अगर आप बिजनेस दोस्तों मार्केट में है
चार से पांच घंटा या छह घंटा यूज करते हो, कंटिन्यू बिजनेस करते हो, तो मशीन 3 लीटर फ्यूल खाएगी। 300 लीटर पेट्रोल के अंदर आपको ये मशीन एक घंटे के अंदर तकरीबन 350 से 400 कप या कौन आप मशीन के अंदर से निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये पूरी ऑटोमेटिक और डिजिटल मशीन की पूरी आइडियोलॉजी आपको गाइडेंस दी, और आप ये मशीन को अगर पावर से भी चलाना है तो हमारे पास पावर भी अवेलेबल है दोस्तों। अब देखिए इसको आप निकाल के सीधा पावर में प्लग इन करेंगे तो सीधी मशीन पावर में चलेगी। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बोर्ड दिया गया, हम इसको सीधा पावर में चलाएंगे दोस्तों। अब देखिए ये मशीन को पावर में प्लग इन कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ से मशीन स्टार्ट कर देंगे, चालू हो गई है। इसमें भी मैं आपको सॉफ्ट एंड क्रीमी बेहतरीन क्वालिटी का आइसक्रीम निकाल के बताऊंगा दोस्तों। आप देखिए लाइव टू लाइव -4 का टेम्परेचर है, 12 का टेम्परेचर टैंक का है, कितना परसेंट आइसक्रीम तैयार है, 83% है, कौन का सेप है, हर एक जानकारी मशीन खुद शो करेगा ऑटोमेटिकली उसके हाथ से दोस्तों। आप देखिए बेहतरीन क्वालिटी का सॉफ्ट एंड क्रीमी आइसक्रीम मैंगो का फ्लेवर का निकला है दोस्तों। इसके ऊपर हम अलग अलग कलर्स के ट्विंकल्स लगाएंगे। आप देखिए देखिए रेमबो टॉपिंग्स और टिंगल्स लगा हुआ है इसके अंदर मशीन के अंदर दोस्तों। अलग अलग मॉडल्स है, फ्लोर मॉडल, टेबल टॉप मॉडल, सिंगल मोड फ्लेवर मशीन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में कंप्लीट मशीन, इसका स्टेबिलाइजर, फ्लेवर मिक्सचर, 10 किलो आइसक्रीम का पाउडर, स्पेयर पार्ट किट, पूरी मशीन की पैकिंग, ये पूरा पैकेज मशीन के साथ दिया जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।